वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, मेरी नई वीडियो। आज वैसे तो बॉलीवुड में बहुत से एक्टर ऐसे हैं जिन्होंने अपना नाम कमा रखा है और अच्छी खासी फैंस फॉलोइंग बना रखी है। उसी को देखते हुए आज हम जानेंगे टिंकर खन्ना की लाइफ स्टाइल एंड बायोग्राफी, बहुत सी अनजानी बातें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकी बायोग्राफी के बारे में। तो टिंकर खन्ना का रियल नेम है टीना जितिन खन्ना और निक नेम है टीना। प्रोफेशन की बात करें तो वो इंटीरियर डिज़ाइनर एंड एक्टर एंड राइटर है। अब बात कर लेते हैं उनकी फिजिकल स्टेटस के बारे में। बात करें उनकी फिजिकल स्टेटस की तो उनकी हाइट है 163 सेंटीमीटर यानी कि 5 फीट 4 इंचेस, वेट है 70 kg। अब बात कर लेते हैं उनकी आइज़ ब्लैक ही है और ब्राउन ही। अब बात कर लेते हैं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनकी डेट ऑफ बर्थ 29 दिसंबर 1974 और इस हिसाब से 2024 में उनकी एज 50 ईयर्स की हो चुकी है। उनका होम टाउन पुणे महाराष्ट्र इंडिया है और उनका जूडिया साइंस टेरेस है, नेशनलिटी से इंडियन है और उनका होम टाउन मुंबई महाराष्ट्र है। बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में तो उन्होंने अपनी स्कूलिंग न्यू आर हाई स्कूल पंचगिनी महाराष्ट्र से कम्प्लीट की है और उन्होंने अपना कॉलेज गोल्ड मैथिया लंदन विश्वविद्यालय से कम्प्लीट किया है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो उन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट्स वे डिग्री हासिल कर रखी है। अब बात कर लेते हैं उनके करियर जर्नी के बारे में। तो उन्होंने अपना फिल्म डेब्यू बरसात 1995 से की है। अब बात कर लेते हैं उनकी फैमिली के बारे में। बात करें उनकी फैमिली के बारे में तो उनके फादर का नाम ही राजेश खन्ना एंड जो कि एक बॉलीवुड एक्टर एंड प्रोड्यूसर है। उनकी मदर का नाम है डिम्पल खन्ना जो उनकी मदर का नाम है डिम्पल कबाड़िया जो कि एक बॉलीवुड एक्टर है और उनकी सिस्टर का नाम है रीमा खन्ना जो कि एक एक्टर है। रीजन से वो हिंदू धर्म से बिलोंग करती है। उनकी हॉबीज़ की बात करें तो इन्हें इंटीरियर डिज़ाइनर और राइटिंग करना पसंद है। बात करें कंट्रोवर्सी की तो उन्होंने 2009 में गैलामैक्सी फैशन वीक के दौरान अक्षय कुमार के जींस के बटन खोल दिए जिससे कि अलौकिक का विवाद पैदा हो गया और उन्हें वकील पुलिस स्टेशन से आत्मसमर्पण करना पड़ा और बाद में जमानत पर रिहाई कर दिया गया। बात कर लेते हैं उनके फेवरेट फ्रूट की। बात करें उनके फेवरेट फ्रूट की तो उनकी नानी के द्वारा पकाई गई मसालेदार खिचड़ी उन्हें पसंद है। उनका फेवरेट सॉन्ग है तेरे बिना जिंदगी से कोई है। उनके मैरिड स्टेटस के बारे में बात करें उनकी मैरिड स्टेटस की तो वो मैरिड है। और अफेयर्स की बात करें तो उन्होंने अक्षय कुमार को डेट किया और काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद उन्होंने डेट करने के बाद शादी कर ली और उनकी मैरिज डेट है 14 जनवरी 2001। उनकी टू चाइल्ड्स हैं जिसके में से एक सन अवरान कुमार है। और अब बात करें थे नेटवर्थ की तो नेटवर्थ की बात करें तो वो $30 मिलियन की मालकिन है। टिंकर खन्ना का जन्म एक नॉर्मल फैमिली बॉलीवुड पर फैमिली में हुआ था। अपने पिता जैसे राजेश खन्ना की तरह वह भी एक सुपर स्टार थे और उनकी माँ डिम्पल कबाड़िया टिंकर के जन्म के समय भी बॉलीवुड की सबसे प्रभावशील एक्टर में गिनी जाती है। उन्होंने धर्मेंद्र ने अपनी पहली फिल्म बरसात 195 के लिए कास्ट किया गया था। बरसात में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ एक्टर फीमेल्स अवार्ड मिल चुका है। उन्होंने अपने पति अक्षय कुमार के साथ दो एक्शन फिल्म इंटरनेशनल खिलाड़ी और जुल्म दोनों रिलीज 1990 में रिलीज हुई थी और 1990 में टिंकर खन्ना एक तमिल फिल्म में दिखाई दी। 2000 में फेमस मिस इंडिया में वह जज पेंसर की सदस्य थी। उन्होंने करण जौहर द्वारा प्रस्ताव फिल्म कुछ कुछ होता है में टीना की भूमिका ठुकरा दी थी। यह भूमिका रानी मुखर्जी को दे दी गई। जब वह पहली बार अक्षय कुमार से मिली तो वह फिल्म फेयर पत्रिका के लिए पोस्ट फोटोशूट कर रही थी। फरवरी 2001 में टिंकर खन्ना एक प्रोराज खान की फिल्म ऑल द बेस्ट एक्टिंग कर रही थी। 2001 में अक्षय कुमार से विवाह के बाद उन्होंने ये कहते हुए एक्टिंग को पसंद करना छोड़ दिया क्योंकि अब वो अपनी फैमिली में ज़्यादा उन्हें अच्छा लगने लगा है। लव के कुछ भी करेगा 2001 और एक्टर के रूप में उनकी आखिरी फिल्म है। जब उनके पिता राजेश खन्ना ने नई दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ा तो उन्होंने उनके लिए प्रचार किया। 2000 में उन्होंने मुंबई के कपड़ा मार्केट दावे वाइड वी के नाम से अपना इंटीरियर डिज़ाइनर स्टोर खोला है। उन्होंने तंबू रानी मुखर करीना कपूर कैटरीना जैसे रीमैक्स सील और पूनम भाजपा डिज़ाइन स्टूडियो सहित कई मशहूर हस्ती के घर में इंटीरियर डिज़ाइन किए हैं। उन्होंने अपने एक ग्राहक के अनुरोध पर एक सुहाना सा शौचालय भी डिज़ाइन किया।
ट्विंकल खन्ना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द फैशन डिटेनियर की एकेडमी ऑफ इंटरटेनियर की मेटर्स में से एक है। उन्होंने खिलाड़ी 786 थैंक यू 30 मार खान पटियाला हाउस जैसे सोल्डर नो ऑफ स्टूडेंट सहित कई बॉलीवुड फिल्म का प्रोड्यूसर कर चुकी हैं। 2009 में उन्होंने पीपल मैगजीन द्वारा भारत में चौथा सबसे अच्छा वेश पहनने वाली सेलिब्रिटी के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। वे एक अमीर घड़ी ब्रांच मेयर की एडवाइज़र रही हैं। उन्होंने 2024 में अपने पिता का घर 85 करोड़ रुपए स्टोरी के बारे में। अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा जोड़ी में से एक है। रील्स से लेकर रियल लाइफ ग्रेट नोएडा तक अक्षय कुमार और ट्विंकल की प्रेम कहानी दिल को छूने वाली है। मिसेस एंड मिस्टर्स के बारे में कहा जाता है कि अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना ने सर्द खाने के बाद एक्टर अक्षय कुमार से शादी की थी। इस बारे में जानकारी देते हुए अक्षय कुमार ने कहा, वे मेला लेकर बहुत आस्थित थी। उसने कहा था कि अगर फिल्म नहीं चली तो वह शादी कर लेगी। सौभाग्य से मेरे लिए